विजयदशमी के दिन पारंपरिक वेशभूषा में सीएम योगी अस्त्र शस्त्र के साथ पूरे शाही तरीके से पहुंचे श्रीनाथ जी के पूजन के लिए। गोरखनाथ मंदिर में विजयदशमी पर सुबह का पारंपरिक पूजन अनुष्ठान संपन्न हुआ। गोरक्ष पीठाधीश्वर के रूप में सीएम योगी आदित्यनाथ ने श्रीनाथ जी का पूजन किया। विशेष परिधान में बाहर आए गोरक्ष पीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ के साथ भव्य शोभा यात्रा मंदिर परिसर में निकाली। पारंपरिक शस्त्रों के साथ साथ नाथ योगियों, पुजारियों व संतों की यात्रा में पूरे शाही तरीके से वेदपाठी किशोर, युवा त्रिशूल, तलवार और अन्य शस्त्रों के साथ सैनिक की भांति इसमें शामिल रहे। शोभा यात्रा में बैंड के साथ डमरू, बीन, शंख के साथ कलाकार बेहद शानदार तरीके से शौर्य और आध्यात्म का प्रदर्शन करते चल रहे थे। शोभा यात्रा के दौरान बैंड के साथ डमरू, बीन, शंख बजाने वाले कलाकारों का श्रद्धा से भरा सौंदर्यपूर्ण प्रदर्शन मौजूद लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बना रहा। पूरा परिसर एक आध्यात्मिक और सकारात्मक ऊर्जा से ओतप्रोत था। शोभा यात्रा सबसे पहले गुरु गोरक्षनाथ के दरबार में पहुंची। यहां गोरक्ष पीठाधीश्वर ने गर्भगृह में श्रीनाथ जी का अनुष्ठान एवं पूजन किया। ढोल नगाड़ों के साथ आरती संपन्न हुई। श्रीनाथ के बाद योगी आदित्यनाथ ने भैरव मंदिर, दुर्गा मंदिर, राम दरबार, अखंड धूनी, हनुमान मंदिर, श्री कृष्ण दरबार सहित मंदिर परिसर में स्थापित सभी देवी देवताओं का पूजन और दर्शन किया। इसके बाद ये शोभा यात्रा भीम सरोवर के पास पहुंची। वहां गोरक्ष पीठाधीश्वर ने सरोवर पर पूजन किया। फिर उन्होंने मछलियों को चारा डाला। इसके बाद वो ब्रह्मलीन महंत दिग्विजय नाथ और महंत अवैधनाथ की समाधि पर पहुंचकर पुष्पांजलि अर्पित करते हैं। पूजा अनुष्ठान के बाद योगी आदित्यनाथ गौशाला पहुंचे। वहां कुछ देर समय व्यतीत किया। इसके बाद नाथ पंथ के अन्य अनुष्ठान को संपन्न कराया गया। फिर तिलकोत्सव का कार्यक्रम शुरू हुआ। सबसे पहले साधु संन्यासियों ने तिलक लगाकर आशीर्वाद लिया। गोरक्ष पीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ ने सबको तिलक कर धूप अक्षत से उनको आशीर्वाद दिया। गौरतलब है कि हर साल गोरखनाथ मंदिर में विजयदशमी की रात पात्र पूजा का अनुष्ठान होता है। गोरक्ष पीठाधीश्वर पात्र देवता के रूप में प्रतिष्ठित होते हैं। रात 9:30 बजे से शुरू होने वाले इस पूजन में पात्र देवता गोरक्ष पीठाधीश्वर दंडाधिकारी की भूमिका में होते हैं। पूजन के बाद संतों योगियों की अदालत लगती है, जिसमें नाथ पंथ की परंपरा के अनुसार हर वर्ष विजयदशमी की रात गोरखनाथ मंदिर में पात्र देवता पीठाधीश्वर संतों के विवादों का निस्तारण करते हैं। गोरक्ष पीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ नाथ पंथ की शीर्ष संस्था अखिल भारत वर्षीय अवधूत भेष 12 पंथ योगी महासभा के अध्यक्ष भी हैं। इसी पद में वो दंडाधिकारी की भूमिका में होते हैं। गोरक्ष पीठाधीश्वर संतों की आपसी विवाद सुलझाते हैं। गोरखनाथ या गोरक्षनाथ जी महाराज प्रथम शताब्दी के पूर्व नाथ योगी थे। इसका प्रमाण राजा विक्रमादित्य के द्वारा बनाए गए पंचांग, जिसमें उन्होंने विक्रम संवत की शुरुआत प्रथम शताब्दी से की थी। जबकि गुरु गोरक्षनाथ जी राजा भर्तहरि एवं इनके छोटे भाई राजा विक्रमादित्य के समय में थे। गुरु गोरक्षनाथ जी ने पूरे भारत का भ्रमण किया और उनके अनेकों ग्रंथों की रचना की। गोरखनाथ जी का मंदिर गोरखपुर नगर में स्थित है। गोरखनाथ के नाम पर इस जिले का नाम गोरखपुर रखा गया है। गोरखनाथ के शिष्य का नाम भैरवनाथ था, जिसका उद्धार माता वैष्णो देवी ने किया था। पुराणों के अनुसार भगवान शिव के अवतार थे। गुरु गोरखनाथ के नाम से ही नेपाल के गोरखाओं ने नाम पाया। नेपाल में एक जिला है गोरखा, उस जिले का नाम गोरखा भी इन्हीं के नाम से पड़ा है। माना जाता है कि गुरु गोरखनाथ सबसे पहले यहीं दिखे थे। गोरखा जिले में एक गुफा है जहां गोरखनाथ का पग चिन्ह और उनकी मूर्ति भी है। यहां हर साल बैसाख पूर्णिमा को एक उत्सव मनाया जाता है, जिसे रोट महोत्सव कहते हैं, और यहां मेला भी लगता है। गुरु गोरखनाथ जी का एक स्थान उच्चे टीले गोगा मैणी राजस्थान हनुमानगढ़ जिले में भी है। इनकी मैणी सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के नजदीक वैरावल में स्थित है। इनके 12.5 पंथ होते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया पोस्ट न्यूज़।